बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, कबीला उरानियीन के कुछ लोग आए थे, वो असल में थे मुनाफिक और वो सहाबा को धोखे से ले गए, उन्होंने ले जाके कत्ल कर दिया। तो जब वो मदीना आए थे तो उनके पेट में दर्द था, तकलीफ थी, पेट फूलने लगे थे उनके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इशरबू मिन अल्बानिहा व अबवालिहा, इनको ऊँटों का दूध पिलाओ और पेशाब, बौल की जमा अबवाल आती है। तो इस हदीस की बेस पे बास फुकहा इसके कायल हैं कि उनका पेशाब हलाल है और बीमारी में पिया भी जा सकता है। लेकिन इमाम अबू हनीफा और बास दूसरे फुकहा इस तरफ गए हैं कि ऊंट का पेशाब भी इसी तरह हराम है जैसे दूसरे जानवरों का पेशाब हराम, और बिल्कुल इसी तरह नापाक है जैसे दूसरे जानवरों का पेशाब नापाक है। और इसके दलाइल भी बहुत वाजे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इस्तंजिहू मिनल बौल फइन्ना अम्मता अज़ाबिल क़ब्री मिन्हू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेशाब से बचो, यानी छींटों से भी बचने का हुक्म दिया, और फरमाया कि अक्सर अज़ाब क़ब्र पेशाब की वजह से होता है। तो इसमें आपने फर्क नहीं किया कि किसका पेशाब, हर किस्म के पेशाब इसमें दाखिल है। दूसरी बात यह कि इस हदीस से अगर ये साबित होता कि पेशाब ऊंट का इस्लाम में हलाल है या पिया भी जा सकता है, तो सहाबा ने किसी ने तो इस हदीस पर अमल किया होता। हम देखते हैं कि इसके बाद भी हमें कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती जिसमें ऊंट का पेशाब पीने का कोई जिक्र हो, और किसी सहाबी का कोई एक वाकया भी हमें ऐसा नहीं मिलता। हालांकि पेट की बीमारियां तो थी उस दौर में भी और बाद में भी हुई है, किसी ने भी नहीं पिया। तो इमाम हनीफा और बास फुकहा के नजदीक इस हदीस का ये एक जुज़वी वाकया है, ये कोई कायदा कुलिया नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही इल्म हो गया था कि इन लोगों की बीमारी का इलाज ऊंट के पेशाब के अलावा किसी दूसरी चीज में नहीं है। तो जाहिर है जब कोई शख्स मर रहा हो और उसे पता हो कि मेरा इलाज इसके अलावा किसी और चीज में नहीं है, तो जान बचाने के लिए नापाक चीज भी खाई जा सकती है, हराम चीज भी खाई जा सकती है, इस पर उम्मत का तकरीबन इत्तेफाक है। तो नापाक होने के बावजूद चूंकि उनकी बीमारी का इलाज ऊंट के पेशाब के अलावा किसी और चीज में नहीं था, और ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही पता चली होगी, वही का दरवाजा खुला हुआ था, अब वही का दरवाजा बंद है। तो अब अगर कोई डॉक्टर किसी को कहता है कि आपकी बीमारी का इलाज पेशाब ऊंट के पेशाब के अलावा किसी भी चीज में नहीं है, तो उसके लिए हलाल है। बल्कि अगर कोई मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपके बीमारी का इलाज गाय के पेशाब या फला जानवर के निजासत के अलावा किसी भी चीज में नहीं है, तो ये भी जायज है क्योंकि जान बचाना फर्ज है। लेकिन मेडिकल साइंस फिलहाल ऐसा कहती नहीं है, तो इसलिए जब तक कोई डॉक्टर रिकमेंड ना करे आपको और यकीन ना हो कि इसका इलाज इसके अलावा किसी और चीज में नहीं है, तो आप उस वक्त तक पेशाब नहीं पी सकते क्योंकि नजस है, हराम है। और हलाल चीजों से हमें पहले हुक्म है कि हम दवा करें। हलाल चीजों में अगर कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसमें आपकी बीमारी का इलाज है, फिर मजबूरी में आप जा